नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज बलिया में एक कार्यक्रम में शिरकत कर वापस आते समय गाजीपुर के सपा कार्यालय लोहिया भवन पर रुककर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और फिर मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। वहीं आज कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के द्वारा प्रेसवार्ता कर अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि वे लोग सिद्धांत की बात करेंगे जो गोरखपुर में हुए बच्चों की मौत के मामले को सामान्य बतलाया था। इसके साथ ही गाजीपुर में समाजवादियों में मनमुटाव और मतभेद पर बोला कि घर का मामला है, सुलझा लिया जाएगा। सिंह जिन्होंने अगस्त में कहा था कि बच्चों की मृत्यु होती रहती है बीआरडी कॉलेज गोरखपुर में, उन्हीं सिद्धार्थनाथ की बात कर रहे हैं, उन्हीं सिद्धार्थनाथ जी की बात कर रहे हैं जिनके अंदर मानवता, जिनके अंदर ममत्व, जिनके अंदर नैतिकता नाम की चीज नहीं, उनको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। उन किसानों के मुद्दे को समाजवादी पार्टी गंभीरता से लेती है, हमारे भी संज्ञान में आया है, उत्तर प्रदेश के संगठन के संज्ञान में आया है। उस बात को हम लगातार सदन के माध्यम से और अपने धरना प्रदर्शन या जो भी आंदोलन हो उसके माध्यम से बात उठाएंगे। लेकिन गाजीपुर में देखा जा रहा है इस मामले कहीं ना कहीं समाजवादियों में कई फाड़ नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक है और अगर कहीं भी किसी में कोई गलतफहमी है या थोड़ा बहुत मनमुटाव है उसे हम लोग समझा लेंगे और पूरी तरीके से उन किसानों को, पीड़ित लोगों की मदद करेंगे। तो वो तो हमने पहले ही बता दिया कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे। जो भी तय होगा गठबंधन के बारे में वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वही तय करेंगे। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।